शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जो भी लड़की तुमसे विवाह करेगी 90 दिन में उस लड़की की मृत्यु निश्चित है। इतना बड़ा धोखा हुआ। 90 में से सिर्फ 29 दिन रह गए, फिर तेरी और यशी की शादी हो जाएगी और इस घर की असली बहू बन के यहाँ आ जाएगी और बस हमारा काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल वैसा ही करते हैं। अरे करुणेश, तुम लोग ये कहाँ जा रहे हो? जीजी, वो कामिनी की छोटी बहन के बेटे का मुंडन है, तो जीजी 3-4 दिन में लौट आएंगे। करुणेश, तुझे पता है ना कि यश को सब पता चल गया है, वो अभी आता ही होगा, पर तू ऐसे में यहाँ से खिसक रहा है। जीजी, अगर मुंडन का प्रोग्राम नहीं होता तो हम लोग बिल्कुल नहीं जाते, लेकिन आप तो समझती ना जीजी, ये सारे रिश्ते नाते निभाने पड़ते हैं। अच्छा चलते हैं, अगर ये बस छूट गई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। जा जाकर मुंडन का भोज खा, जा। जब नाव डूबने लगती है ना तो सबसे पहले चूहे उसे छोड़कर भागते हैं। तेरे भाई ने जात दिखा दी उमा। अरे उमा, यश कहाँ है? क्यों, क्या हुआ? अरे वो उसका फोन आया था, बहुत परेशान लग रहा था। उसने कहा मैं तुरंत घर आ जाऊं, उसे मुझसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। क्या बात है, तुम्हें कुछ पता है क्या? उमा बोलो ना, यश ने तुम्हें कुछ बताया क्या? मैं बताता हूं। यश, और अलका आंटी ने हम सबको बहुत बड़ा धोखा दिया है। धोखा? कैसा धोखा? रुक जाइए, सब ने मिलकर आपसे एक बहुत बड़ा सच छुपाया है। मैं आज बड़े ताऊजी के पास गया, उन्होंने मुझे बताया कि सब कुछ जानते बूझते आगे बढ़कर किसने काल को न्योता दिया? क्योंकि तुम्हारी कुंडली में एक ऐसा प्रचंड दोष है यश, जिसके कारण जो भी लड़की तुमसे विवाह करेगी 90 दिन, केवल 90 दिन में उसकी मृत्यु निश्चित है। ये सब इन लोगों ने हमसे छुपाया, एवरीथिंग। सोच के देखिए पापा, इन लोगों ने अंजलि की जान दांव पर लगा दी। क्यों? क्यों किया आप लोगों ने ये सब? किसी का क्या बिगाड़ा था उस मासूम बच्ची ने? है?
हैरानी हो रही है मुझे कि मेरा परिवार इस हद तक गिर गया। हत्या है युमा, हत्या। तुम सब हत्यारे हो, तुम सब हत्यारे हो, सब हत्यारे हो तुम सब। क्या हुआ उमा? क्या हुआ? चोट लगने के डर से पीछे हट रही हो तुम, और उस बच्ची की जिंदगी से खिलवाड़ करते हुए तुम्हें जरा भी डर नहीं लगा? और आप ताई जी, तो इस घर की बड़ी है ना, और बड़ों का काम तो होता है छोटों की गलतियों को सुधारना, लेकिन आप तो खुद इस सब में शामिल हो गई। छे सॉरी मां, तो मेरा भरोसा ही तोड़ दिया। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी मां, ऐसा कुछ कर सकती है। माधव की सौगंध होगा, अगर तुम मेरी पत्नी और इस बेचारे की मां ना होती ना, तो तुम्हें अभी के अभी पुलिस के हवाले कर देता। हम सब तो सिर्फ यश और ऋचा के लिए इस झूठ के भागीदार बने थे। सारा खेल अलका भाभी ने रचाया था। मेरी बस इतनी सी गलती है कि बस बेटे की खुशी के लिए उनकी बातों में आ गई। सफाई देना बंद कीजिए माँ, आप लोगों ने जो कुछ किया है ना, उसे कुछ भी करके सही नहीं ठहराया जा सकता। सुबोध से कैसे आंखें मिलाऊंगा, क्या कहूंगा उसे, हाँ? कि उसकी बेटी को अपने घर मारने के लिए लाए थे हम लोग। सालों की दोस्ती शर्मिंदा हो गई आज। सुबोध को इस बारे में बताने की जरूरत क्या है मुकेश? आपको मालूम भी है कि आप क्या कह रही हैं ताई जी? इतना बड़ा सच अपने दोस्त से छुपा के मैं अपनी दोस्ती का अपमान नहीं कर पाऊंगा। सुबोध ने अंजलि को हमेशा अपनी बेटी माना है। अरे आपकी बेटी तो आपसे दूर हुई थी तो आप छटपटा गईं। तो सोचिए कि सुबोध हमेशा के लिए अपनी बेटी को खो देने का दुख कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना। अलका भाभी गजब हो गया, अंजलि को तो पता भी नहीं कि आप सबने मिलकर उसके साथ कितना बड़ा अन्याय किया है।
आप लोगों की साजिशों से अनजान। अंजलि ने हमारी खुशी के लिए हंसते हंसते कितना कुछ किया। एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही, ये जानते हुए भी कि अंजलि सिर्फ 90 दिन जिंदा रहने वाली है, आप लोगों ने उसके साथ इतना बुरा बर्ताव कैसे किया? याद है ना आप सबको कि आप सबने मिलकर उसको कितना सताया है? एक बार भी आपकी इंसानियत नहीं जागी? हमने तो बस तेरा और ऋचा का भला सोचा। बस कीजिए बड़ी दादी, अब बस। अगर आपको मेरी और ऋचा की इतनी चिंता होती तो आप इतनी बड़ी बात हमसे नहीं छुपाती। अब बस, बस। अब अंजलि को सारा सच मैं बताऊंगा। साहब, मैं जानती हूं और मानती भी हूं कि जो कुछ हुआ वो शायद ठीक नहीं था, पर उस वक्त यश और ऋचा के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वही किया। लेकिन आप ये बात इनको मत बताइए। आप जानते हैं ना कि ये अंजलि को अपनी बेटी की तरह मानते हैं, वो मर जाएंगे। अंजलि मरने वाली है, ये सच्चाई वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने दोस्त को खोना नहीं चाहते तो मेरी बात मान लीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहती हूं, मत बताइए इनको। मुकेश दरवाजे पर क्यों खड़ा है, अंदर क्यों नहीं आ रहा है? पांडे जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूं। राधे राधे। मुकेश आया था ना, दरवाजे से ही चला गया। वो क्या हुआ? ये मुकेश मुझसे मेरा मिलने ही कैसे चला गया है? वो यश और ऋचा की शादी के बारे में कुछ बात करने आए थे, आपको पूछ ही रहे थे कि उनका बहुत जरूरी कॉल आ गया, बाद में आता हूँ ये कहकर चले गए। कुछ तो हुआ है, पर क्या ये समझ में नहीं आ रहा है? नहीं बेटा, अंजलि को कुछ मत बता। क्यों? क्यों नहीं बताऊं? अंजलि, अंजलि की जान दांव पर लगी है, उसे सब कुछ सच जानने का पूरा हक है। पर यश, 61 दिन बीत चुके हैं, हम सिर्फ 29 दिन बाकी बचे हैं। क्या तू अब उसे जाकर बताएगा कि वो 29 दिन में मरने वाली है?
कम से कम उसे आखिर के 29 दिन शांति से खुशी खुशी जी लेने दे। जरा सोच बेटा, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन अगर तू आप अंजलि को जाकर बताएगा ना, तो उसका बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि तू उसे इन बाकी के बचे हुए 29 दिनों में ना सारी खुशियां दे दे, ताकि उसकी सारी जिंदगी की सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। अगर चित पर अड़ा है तो अंजलि को सब पता कर ही रहेगा, तो जा बता दे उसे, जा यश बता दे उसे कि वो 90 दिन में मरने वाली है। अड़ा क्यों है, जान। हाँ बताऊंगा मैं अंजलि को, जरूर बताऊंगा सब कुछ। यश बेटा जाने दे उसे, मैंने भी दुनिया देखी है, इतना आसान नहीं होता किसी को ये बताना कि वो 90 दिन में मरने वाला है। अंजलि, 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 हमने कि तुम्हारा विवाह ऋचा के साथ नहीं हो सकता। पर यश 61 दिन बीत चुके हैं, अब सिर्फ 29 दिन बाकी बचे हैं। क्या तू अब उसे जाकर बताएगा कि वो 29 दिन में मरने वाली है? तू अगर जिद पर अड़ा है कि अंजलि को सच बताकर ही रहेगा, तो जा बता दे उसे। जो भी लड़की तुमसे विवाह करेगी 90 दिन में उसकी मृत्यु निश्चित है। कम से कम उसे आखिर के 29 दिन शांति से खुशी खुशी जी लेने दे। क्या यश, बता दे उसे कि वो 90 दिन में मरने वाली है। हजार बार कहा था अड़ा है तो हमारा दिन बीत चुके हैं। जा जा आखिर के 29 दिन जो भी लड़की तुम तो उसे जाकर बताएगा कि वो 30 दिन में मरने वाली है। शांति से खुशी खुशी जी लेने दे। अंजलि, 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 कहाँ जा रही है? यश जी, dom 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 dom
यश जी आप ठीक है ना? क्या हुआ ये सब? ये कैसे हुआ? आपको चोट तो नहीं लगी ना? आप ठीक तो है ना? देखा, मैंने कहा था ना नहीं बता पाएगा। अरे इतना आसान नहीं है किसी की आंखों में आंखें डालकर ये बताना कि वो 29 दिन में मरने वाला है, और वो भी उसी की वजह से। इसलिए तू इस बात की चिंता करना छोड़ दे कि यश अंजलि को सच बता देगा। अरे दिल बैठा जा रहा है यश जी, प्लीज हमें बताइए क्या हुआ है। सब ठीक तो है ना? हम गोपाल से प्रार्थना करेंगे, वो सब ठीक कर देंगे। मेरे कुंडली दोष के कारण जिस भी लड़के से मेरी पहली शादी होगी वो 90 दिन में मर जाएगी। जब मैं तुम ये बात जानती थी कि एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।